नमस्कार जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे एक छोटा सा प्रयास है, आपको दिखाने की कोशिश है कि किस तरीके से जो छोटी कंपनियां हैं, जब बड़ी कंपनियां दवाइयों की पूर्ति नहीं कर पा रही है, तो छोटी कंपनियां किस तरीके से मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और किस तरीके से जनता को लूट रहे हैं। तो आज मैं आपसे बात करूँगा दवाइयों की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं कोरोना काल के इलाज के लिए, उन दवाइयों की किस तरीके से शॉर्टेज हो रही है, वो दवाइयाँ किस तरीके से बाज़ारों में बहुत ज़्यादा कीमत पर बेची जा रही हैं, और मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से इन पर निगरानी रखने की राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे आज जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कि जब बड़ी कंपनियाँ दवाइयों की सप्लाई नहीं कर पा रही है, जब जैसा पारासीटामोल है, एजिथ्रोमाइसिन है और मल्टीविटामिन्स हैं, तो ये सारी जब दवाइयों की सप्लाई बड़ी कंपनियां नहीं कर पा रही हैं, तो छोटी कंपनियां उसी फार्मूले को यूज़ करके उसी दस पत्ते की जो दवाई होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दामों पे बेच रही है। जैसे कि पहले पारासीटामोल 10 से 15 रुपए के बीच आ जाता था, माफ़ करिएगा, और आज वही दवाई 20 से 25 रुपए और 15 से 20 रुपए दामों पे मिल रहा है, और छोटी छोटी कंपनियां उसका बहुत लाभ उतार रही है। एजिथ्रोमाइसिन जो 80 रुपये के आसपास आता था, आज 150-120 रुपये अलग अलग रेट्स पे मार्केट में अवेलेबल है। तो इस पे सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बहुत बड़ा जिम्मेदारी। NPPA एक संस्था है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो दवाइयों की निगरानी रखती है कि प्राइस किस तरीके से बढ़ रहे हैं और किस तरीके से उसको रेगुलराइज करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चूक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस आपदा के अवसर को अवसर बनाने की जो कोशिश छोटी कंपनियां, मेडिसिन के जो फार्मासिस्ट हैं और जो छोटी कंपनियां हैं, उन तरह के लोग इस चीज़ को ना बढ़ावा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा और उस समय बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो आप देखिए, राज्य सरकार भी की एक अपनी जुडिशरी है जो इस पे लगाम लगाती है, औषधि करके नाम है, और वो भी इस चीज़ को नहीं देख रही है, और दवाइयाँ बहुत ज़्यादा बहुत महंगे दामों पे लोगों को प्रोवाइड हो रही है। और मल्टीविटामिन की अगर मैं बात करूँ, तो मल्टीविटामिन जो कभी आपको बहुत सस्ते दामों में मिल जाती थी, 10-10 रुपये में, 20-20 रुपये में मल्टीविटामिन मिल जाती थी, तो आज कंपनियों ने उसका भी एक नया तरीका खोज रखा है लोगों को लूटने के लिए। उन्होंने क्या किया है कि जिंक और सारी मल्टी विटामिन सी, विटामिन डी, इनको मिला के एक दवाई बना दी है, और उसका जो प्राइस है 40 से 50 रुपए रख दिया गया है। और ये सारी काम कोई ब्रांडेड कंपनियां नहीं कर रही हैं, ये सारे काम जो है छोटी कंपनियां, जिन्होंने इसको आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है, वो सारी छोटी छोटी कंपनियां इसको बढ़ावा दे रही हैं, इन सब सारी चीज़ों को। तो सरकार और केंद्र सरकार से सोशल संवाद के ज़रिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन सारी चीज़ों पे ये लगाम लगाएं और कोशिश करें कि जनता को मुफ्त में और कम से कम दामों पे दवाई उपलब्ध हो, ताकि जो जन का पहले से ही त्राहिमाम है, जो गरीब हैं, जो बहुत गरीबी रेखा में रहते हैं, वो लोगों को फ्री मेडिसिंस मिले और उनका शोषण ना हो। अगर शोषण होता है, वो लोग पहले ही 10 रुपये की दवाई ख़रीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो कहाँ से, आप समझिए कि एक मल्टीविटामिन की गोली जो अब 40 से 50 रुपये मिल रही है, वो कहाँ से ख़रीदेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है सरकार से कि इस चीज़ पर लगाम लगाएँ, आपकी जो कमेटी है उनको कहें और इन सारी चीज़ों पर लगाम लगाने की कोशिश करें, ताकि जनता को इस भयावह बीमारी से छुटकारा मिले। जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, उनको सस्ते से सस्ते दामों पे मिले। ये मेरी बहुत गुजारिश रहेगी सरकार और हमारे आम जनता नेता जो हैं, हमारे सांसद जो हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, उन सबसे हमारी दरख्वास्त रहेगी कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इन दवाइयों के लिए मदद करें। जय हिंद।